आज मैं एक ऐसे नौजवान से रूबरू हूँ जो ये अपना गांव छोड़कर ये मुंबई आए हुए हैं। जरा ये अपनी बातें कुछ रखना चाहते हैं, जरा अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम मोहम्मद इनायतुल्ला हुआ, पिता का नाम मोहम्मद ईसा अंसारी, ग्राम मधुदाबाद, पोस्ट मोहती नगर, जिला समस्तीपुर का निवासी हूँ। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और मैं मुंबई 2018 में यहाँ आया हूँ और यहाँ रह रहा हूँ। आप ये बताइए, जो आप गांव से ये मुंबई आए हैं, तो क्या वजह है जो आप गांव छोड़कर मुंबई आए हैं? इसीलिए आए, बिहार में कुछ नहीं है, वहाँ का सरकार जो है वहाँ कुछ नहीं है, इसीलिए मुंबई आया हूँ मैं। यहाँ काम है, यहाँ कंपनी है, कारखाना लोग कारखाना है, यहाँ आने जाने का सुविधा है, यहाँ ऐसा धांधली नहीं होता है जैसा बिहार में होता है। आप ये बताइए, जो अगर दोनों अगर बिहार में और यहाँ अगर आपको काम के बारे में कंपेयर तुलना किया जाए, तो यहाँ आपको क्या अच्छा लगता है मुंबई में, वो जरा? यहाँ बहुत कुछ अच्छा है, यहाँ रेल का सुविधा है, सारा चीज है, रात में 24 घंटा यहाँ खुला हुआ रहता है और यहाँ काम काज भी है। बिहार में एक दिन काम करो 5 दिन बैठो, वैसा यहाँ नहीं है, यहाँ काम करो मस्त रहो बढ़िया से। आप जो ऐसे जो वीडियो देखे हैं, खास करके जो बिहार के हैं नौजवान हैं वो भी मुंबई आना चाहते हैं, उनको आप क्या अपनी बात है क्या? हाँ, जिसको बिहार से आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, आके अपना यहाँ रह सकते हैं, कमा सकते हैं, खा सकते हैं। बिहार में तो गरीबी है, वहाँ का सरकार तो देख नहीं रहा, सिर्फ वोट चाहिए उसको और कुछ तो करता ही नहीं है, सिर्फ वोट लेके फिर अपना सो जाते हैं। जिसको आना चाहते हैं वो आ सकते हैं मुंबई, आके अपना सुकून से रूम लेके अपना काम धंधा कर सकते हैं। आप ये बताइए, चूंकि क्या है जो अगर जो मुंबई आते हैं और यहाँ से देखा जाता है जो विदेश जो है जल्दी लोगों को इंट्री मिल जाता है, इस पर आपका क्या कहना है? हाँ, यहाँ से आप विदेश जाने के लिए चाहेंगे तो आपको बहुत कम पैसे में चले जाएंगे विदेश, बहुत कम पैसा में, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ऑफिस है ना बाहर गाँव जाने के लिए, तो आप यहाँ से आके काम धंधा करके पैसा जमा करके यहाँ से आप विदेश आराम से जा सकते हैं। तो ऐसा अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, जो आप जो इतने दिन मुंबई में रहे, तो इतने दिनों में आप मुंबई रह के आपने क्या सीखा? यहाँ बहुत कुछ सीखा मैं, यहाँ का सब कुछ अच्छा लगा हमको, यहाँ का सरकार भी है ना BMC वाले बहुत अच्छे हैं, सारा चीज का सुविधा है यहाँ, और बहुत कुछ सीखने के लिए यहाँ मिला है। यहाँ क्राइम उराम नहीं होता है जैसे बिहार में हो, जैसे कहीं और भी हो, वैसा यहाँ नहीं है, यहाँ गरीबों भी जी सकता है, अमीर भी जी सकता, सब जी सकते हैं। चलिए ठीक है, आपने बहुत अच्छा पक्ष रखा, और मैं आपसे एक और सवाल करता हूँ कि अगर मान के चलिए अगर आप बिहार अभी जाते हैं और मौसम के बारे में अगर कहा जाए, तो वहाँ के मौसम में यहाँ के मौसम में आपको क्या तब्दीली नज़र आता है? वहाँ के मौसम में और यहाँ के मौसम में बहुत अंतर है, क्योंकि अभी बिहार में ठंडी हो रही है, यहाँ देखो गर्म हो रही है, यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा है, साल के 12 महीने में टाइम से बारिश भी होती है 3 महीना और गर्मी 3 महीना, और यहाँ ठंडी नहीं है, यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, क्योंकि समुंदर नज़दीक में है इसीलिए गर्म होता है, यहाँ ठंडी यहाँ होता ही नहीं है, यहाँ स्वेटर का जैकेट का ज़रूरत नहीं है। और मैं आपसे एक और सवाल करूँ, जो अगर मान के चलिए अगर आपसे अगर ऐसा कहा जाए, जो अगर जो विदेश जाना चाहते हैं गांव के लोग, और विदेश जाना अगर चाहेंगे तो वो कैसे जाएंगे, जरा इस पर अपनी कुछ बात रखें। जिसको विदेश जाना है अपने मिराज चा से संपर्क करें, और मिराज चा है, मिराज चा का लिंक है अपने, ये इनके संपर्क करें और इनसे मिले, आप वो खुद काम करवा के अच्छी कंपनी में बाहर गांव जहां बोलेंगे, जो काम से बोलेंगे उस काम से भेज देंगे मेरे चाचा जी। तो आप, मैं आपसे एक और कहूँ, जो अगर आप शॉर्ट में अगर अपनी बातें कुछ रखना चाहते हैं तो रखिए। मैं यही रखना चाहता हूँ कि मेरे चाचा से अगर कोई काम हो, एक वकील भी है और बाहर गांव का भी काम करते हैं, आपको किसी को भी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके अंकल का नंबर लेके कॉल करके आप बात कर सकते हैं, जैसे कोई मसला भी होगा तो आप कॉल कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आप अपनी बात रखें, मैं आपको इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।